Like my video, subscribe to my channel, and click on the bell icon for more delicious recipes updates. नमस्कार, A1 रेसिपी विद माधुरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इटालियन एंड चाइनीज मिक्स देसी चिली पनीर पास्ता की रेसिपी बताने जा रही हूँ। उसके लिए सामग्री है 2 मीडियम शिमला मिर्च। यहाँ मैंने ग्रीन और ऑरेंज दो कलर की शिमला मिर्च ली है। आप चाहे तो कोई भी कलर की शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं। 1 कप बॉईल किया हुआ पास्ता, 200 ग्राम पनीर, 2 लहसुन की कलियों को मैंने पीस लिया है, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1/2 स्पून टमाटो केचप, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं और इसकी जगह पास्ता सॉस भी यूज कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून विनेगर, 2 टीस्पून सोया सॉस और 1 छोटा प्याज मीडियम कटा हुआ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। कढ़ाई को मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया है। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डालते हैं, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब इसमें कटा हुआ अनियन, गार्लिक पेस्ट, इसमें कैप्सिकम ऐड कीजिए। अब इसे हाई फ्लेम पे चलाते रहिए। इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे चलाते रहना है, जब तक कि ये नरम ना हो जाए। इसको बिना ढकाए पकाना है, इसको ढकना नहीं है। 2 से 3 मिनट चलाते रहिए। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए शिमला मिर्च का टेक्सचर ऐसे हल्का सा ब्राउन हो जाना चाहिए। अब हम शिमला मिर्च को तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए शिमला मिर्च टूटने भी लगी है। हम इसे 1 मिनट और पका लेते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखना है। ये ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसको हम 1 मिनट और हाई फ्लेम पे पका लेते हैं। प्याज और शिमला मिर्च पक चुके हैं, इन पे हल्का सा गोल्डन टेक्सचर आ चुका है। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, नमक, और ये पनीर के क्यूब्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको हल्के हाथों से हाई फ्लेम पे ही चलाना है। इसको थोड़ा सा चला लीजिए ताकि पनीर का जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए। इसको हल्के हाथों से चलाते रहिए और ध्यान रखिए कि पनीर कढ़ाई पे चिपकना नहीं चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हाई फ्लेम पे चलाते रहिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून विनेगर डाल दीजिए कि थोड़ा सा टोमेटो केचप, आप चाहे तो पास्ता सॉस भी यूज कर सकते हैं, और ये 2 टीस्पून सोया सॉस। अब इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिला लीजिए। देखिए क्या कलर आया है, कितना जबरदस्त दिख रहा है। मैंने यहाँ पे 2 कलर की कैप्सिकम यूज की है, उसकी वजह से एकदम दिखने में यमी दिख रहा है। इसको थोड़ी देर चला लीजिए तो ये आपका चाइनीज
चिली पनीर बन गया है। इसमें हल्का सा मैं टेस्ट के लिए ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ी काली मिर्च मैंने डाल दी है, इससे थोड़ा स्वाद और अच्छा आ जाएगा इसका। तो ये आपकी चाइनीज़ डिश में, अब मैं ये पास्ता डाल रही हूँ। तो पास्ता डालने से क्या है, ये इटालियन बन गया है। अब इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से चला लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पास्ता में सारे मसाले और सॉस अच्छे से कोट हो जाने चाहिए। गैस का फ्लेम आप चाहे तो मीडियम कर सकते हैं। हल्के हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपी रखी है, आप चाहे तो इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ आपको ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म यमी सा चिली पनीर पास्ता बनके रेडी हो चुका है। तो एक बार इसे घर में जरूर ट्राई करें। सभी को बहुत पसंद आती है रेसिपी, खाने में भी काफ़ी स्वाद आता है। तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाएं और एंजॉय करें ये चिली पनीर पास्ता। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।